भारतीय मालवीय हैं ये कह रहे हैं गुरुजी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सनातनी को क्या करना चाहिए। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सनातनीय हिंदुओं को सबसे पहले जगना चाहिए। जागना ही एक ऐसा उपाय है जिससे सनातनीय हिंदू धर्म परिवर्तन से अपने आप को बचा सकता है व अपने आसपास के लोगों को बचा सकता है। जागना ही सरल उपाय है। जागो, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानो, अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म पर विचार, दूसरा धर्म कोई है ही नहीं है, सब बाकी पंथ हैं, धर्म तो एक ही है सनातन धर्म। संगीता राजस्थान ने ये कह रही है गुरुजी हमने बागेश्वर धाम के अलावा पहले भी हमारे गुरु थे, हम उनका भजन करते हैं और बागेश्वर धाम का भी भजन करते हैं, हम एकाग्रता नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम उनके ध्यान को बंद कर दें या हम चालू रखें मार्गदर्शन। जो पूर्व के आपके गुरु हैं अगर उनके प्रति निष्ठा है तो बिल्कुल ध्यान को जारी रखना चाहिए और तेज करना चाहिए, और अगर मन डगमगा रहा, निष्ठा वैसे तो एक ही गुरु होना चाहिए, एक ही इष्ट होना चाहिए, एक ही धाम, फिर भी निष्ठा डगमगा रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो दूसरा मन में भाव है उनको आप जो है मान करके और पूर्ण समर्पण भाव से उन्हीं में ईश्वर दर्शन मान करके उनको मानना चाहिए, तो आप जो है गुरु कृपा को प्राप्त कर जाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है गुरुदेव, ये धर्मराज गुर्जर हैं, कह रहे हैं साधु जी सीताराम मैं पूछना चाहता हूँ कि पापी और धर्मी में क्या अंतर है? पापी और धर्मी में क्या अंतर है? पापी और पुण्यात्मा में क्या अंतर? पापी पाप करने के बाद भी सुखी है, राजनेता, बड़े बड़े व्यापारी और बड़े लोग, और धर्मी धर्म करने के बाद भी दुखी है। बहुत अच्छा आध्यात्मिक आपका प्रश्न है। पापी और पुण्यात्मा में सीधा सा अंतर यही है कि एक कालिक है और एक सफ़ेद है। पापी और पुण्यात्मा में सीधा सा अंतर यही है कि एक पृथ्वी है तो एक गगन है। पापी और पुण्यात्मा में ठीक ऐसा ही अंतर है कि एक विष है और एक अमृत है। पापी और पुण्यात्मा में ठीक ऐसा ही अंतर है जैसे कांच और मणि में अंतर है। तो आपने कहा कि पुण्यात्मा हमेशा परेशान रहता, पापी दुखी रहता, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं है। और अगर पापी व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो उसके पीछे कारण है, उसके द्वारा पूर्व में किए हुए अच्छे कर्म, उसकी लाइफ में जब वो पाप करना शुरू करता है तो वो सभी कर्म उसके ज़िंदगी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते, उसका कुछ भी अहित नहीं होता। व्यक्ति सोचता है कि जो है हमारा तो कोई अहित नहीं हुआ और देखो हम तो बड़े अच्छे से जी रहे हैं और भगवान भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो पाप करते ही चला जाता है ऐसा व्यक्ति। और धीरे धीरे जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, सभी धर्म उसका क्षीण हो जाता है, फिर वो व्यक्ति जो है उसकी दुर्गति हो जाती, विनाश हो जाता है। और पुण्यात्मा जब पुण्य करता है तो जो है ऐसा व्यक्ति जब पुण्य करता है तो पुण्यात्मा के जीवन में जितने पूर्व के पाप हैं उन सबको भेज दिया जाता है, तो वो उसको लगता है कि भगवान होते नहीं, हम जब से धर्म करने लगे हैं तब से बड़ा कष्ट पाने लगे हैं, उसको लगता है भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जिस दिन उसके सभी पाप शांत हो जाते हैं पूर्व के किए हुए बुरे कर्म, वह व्यक्ति जो है सदा सदा के लिए स्वयं के साथ साथ आने वाली संपूर्ण वंश संपूर्ण पीढ़ी प्रसन्नता की ओर जाती है, सुख समृद्धि की ओर जाती है और महासुख को पा जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में धर्मात्मा बनना बहुत आवश्यक है। अब शायद आप हमारे प्रश्न से संतुष्ट, उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं गुरुदेव, हम लोग गुरुदेव, ये सौरभ यादव है ये कह रहे हैं गुरुजी क्या हम केवल अपने इष्ट से ही अपनी मनोकामना मांग सकते हैं या किसी अन्य देवताओं से भी अपनी मनोकामना मांग सकते हैं? अब देखो भाई, जिससे तुम्हारी जान पहचान हो उसी से मांगनी चाहिए। अब तुम बम्बई में जा करके अपरिचित व्यक्ति से तुम कहो कि भाई हमको 20 लाख रुपया उधार दीजिए, वो तो उनको कहाँ से दे देगा। तो जिससे परिचय हो उसी से जो है अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए, और अगर इष्ट समर्थ है तो फिर जो है मांगने की क्या हो सकता है, इष्ट स्वयं समझेगा किसको देना कब है, तो ये मांगने का विषय नहीं है। तो यार भाई साहब जी देखो जी, भाई साहब मौन हो गए। भक्ति साधना में मन लगे उसके लिए क्या करना चाहिए? गुरु कृपा को पाइए, और जो है गुरु कृपा को पाने के बाद में साधुओं की संगत, भगवान की कथा और साधुओं की शीत प्रसादी पाइए। शीत प्रसादी पाने से
आप जो है गुरु कृपा से भगवान की भक्ति में मन लगने लगेगा।